देख रहे हैं दोस्तों, ये सुअर ने खा डाला है। कैसे होगा हमारा लोग का गुजारा, कैसे होगा? नहीं, इस आलू के भरोसे थे हम तो ऐसा लगता कि किसान ही सब छोड़ दे, कुछ ना करे, लेकिन क्या करें, मेहनत करना ही पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, पेट कैसे भरेंगे परिवार का हमारा? देखिए दोस्तों, अभी अब जंगली जानवर बचाए, जानवरों से बचाए, खाद डाला है मेरे पेड़ को। देखिए खाली खाली से लग रहा है खेत, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों हमें। अगर हमारा के जो परिवार परिवार के ऊपर चलता है यार, किसान के भरोसे रहते हैं दोस्तों, अब क्या करें, हमारा परिवार कैसे चलेगा? आप लोग देख रहे हैं सर, हम काट डाला पेड़ से वरने जानवर, कैसे करें हम? हमारा इसके भरोसे हम रहते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत होंगे। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। और बताइए आप सब लोगों का कैसा है? हमारी तरफ से आप लोगों को जय श्री राम। अब मैं चल रहा हूँ, सुबह का समय हो गया, मैं चल रहा हूँ अपने खेत में आलू का निरीक्षण करने के लिए। देखिए कैसा है हमारा आलू, ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक, अब चल रहा हूँ खेत में दोस्तों, आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बने रहिएगा यूट्यूब पर, कहीं जाइएगा नहीं, दिल थाम के बैठिएगा, मैं क्या दिखाता हूँ आप लोगों को, जाइएगा कहीं। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों, देख दोस्तों आज अपने खेत में, देखते क्या होता है हमारे आलू खेत में, क्या हाल है। अरे बाप रे, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारे खेत में सुअर आ गई थी, जंगली सुअर, जो इसको उखाड़ देती है, पेड़ को उखाड़ देती है, आलू खा जाती है। देखिए आप लोग, हम लोग किसान में नहीं है दोस्तों, क्या करें। आप लोग आऊ लोग को दिखाता है। देखिए दोस्तों ये जंगली सुअर है जो दोस्तों, ये आती है रात में और इसको इस पेड़ को उखाड़ देती है और खा जाती है। जैसे दोस्तों हम कैसे करें, हम लोग किसान में नहीं है, हम कैसे इन जानवरों को रखवाली कर सकें, क्या करें क्या ना करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये सारे पेड़ इस जंगली सुअर ने उखाड़ दिए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारे आलू के खेत में। अब क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका उपाय मैं क्या करूं। बहुत सारे देख लिए आप लोग दोस्तों, उखाड़ दिया गया है। देखिए बहुत सारा नुकसान हुआ है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं खेती करूं क्या ना करूं, खेती करूं, जानवर से नुकसान है, जानवर से बचाना पड़ता है, कैसे करें कैसे नहीं। देखिए दोस्तों कितना खेत खाली खाली लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं मेरा सारा खेत कितना खाली खाली लग रहा है। सब ये सुअर जो आते हैं रात में उखाड़ के चले जाते हैं, आप कैसे करें कैसे ना करें। देखिए दोस्तों आप लोग खुद देख रहे हैं कितना खाली खाली दिखाई दे रहा है, अब क्या करें क्या ना करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानवरों से करें, किसानी खेती करें, हम लोग को किसान में क्या मिलता है दोस्तों? कुल मिलाकर के लास्ट में देखा जाए तो हमें कुछ नहीं मिल पाता है। देखिए अब क्या करें, आलू के भरोसे हमारा लोग रहता है परिवार, आलू जो होता है एक मुठ पैसा मिल जाता है, एक किस्त मिल जाता है पैसा, जो हम लोग परिवार को चलाता है। देखिए क्या करें क्या ना करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, कैसे इन जानवरों को उपाय करूँ कैसे ना करें। जालू मारता हूँ तब भी तोड़ के चले जाते हैं, काट के चले जाते हैं, अब मेरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, अब मैं क्या करूँ। अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, हमने मेरी बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत से आलू को लगाया था, बड़ी मेहनत से इसको सिंचाई की थी, बड़ी मेहनत से इसको खाद पानी रखा था, लेकिन आज यह दशा हो रहा है कि सुअर खेत में आकर के भारी नुकसान पहुंचा रहा है। मैं क्या करूं, मेरे कुछ नहीं समझ रहा दोस्तों, आप लोग बताइए मैं क्या करूं। जाली लगाता हूं तो तब भी तोड़ के चले जाते हैं, मेरे कुछ नहीं समझ रहा, देख रहे हैं आप लोग सारे सारे खेत में खाली खाली दिखाई पड़ रहा है, पहले हरा भरा था लेकिन आज देख रहे हैं, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, अब मैं क्या करूँ। आप देख रहे हैं आप क्या करें दोस्तों, आप जिंदगी एक सहारा है, मेहनत करते रहेंगे
फल तो ईश्वर के हाथ में है दोस्तों, जो होगा सो देखा जाएगा, हम कर्म करते रहेंगे फल ईश्वर देगा। दोस्तों हमारा वीडियो आज तक यहीं तक, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, जहाँ तक हो सके ये वीडियो तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।